हमने इसे एक बहुत ही खूबसूरत शहर में शूट किया है, उस शहर का नाम है आगरा जहाँ ताजमहल है। और आई थिंक जो उस जगह का फ्लेवर है वो गाने में भी है। और बहुत मज़ा आया हमें शूट करते वक्त, हालांकि बहुत बारिश हो रही थी, बहुत दिक्कत भी हुई, बट फाइनली वी आई थिंक सारी इतनी मेहनत के बाद आई थिंक द सॉन्ग इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। और सबसे ख़ास बात है कि इस गाने में जो मैसेज है कि एक लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ फिर से शुरू नहीं कर सकती, शी हैज़ ऑल द राइट्स टू स्टार्ट अ ब्यूटीफुल लाइफ अगेन एंड रिसीव ऑल द लव दैट शी शुड बी गेटिंग। तो ये सारा मैसेज में सारी जो लड़कियां देख रही हैं, आई थिंक यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, एंड आई थिंक ये जो हमारी सोसाइटी में एक टैबू बना पड़ा है कि अरे वो तो डिवोर्सी है, अरे यू नो आई थिंक वो काफ़ी हद तक कम हुआ है, लेकिन आई थिंक फिर भी कई शहरों में अभी भी है वो। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में सबको दोबारा एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, एंड आई थिंक प्यार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, तो प्लीज़ उसको कभी भी एक एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। किसी किसी लड़की का अगर डिवोर्स हुआ है या लड़के का डिवोर्स हुआ है तो उसे उस नज़रिए से ना देखे कि अब वो एक ख़राब इंसान है या इसमें कोई कमी है। कभी कभी दो लोग इकट्ठे आते हैं बट दे डोंट गेट अलॉन्ग आफ्टर सम टाइम, एंड आई थिंक दैट्स जस्ट लाइफ, दैट हैपेंस, एंड एवरीबॉडी डिजर्व्स अ सेकंड चांस। स्टोरी मुझे बाद में समझाई गई बट आई रियली लव द सॉन्ग। मैं ठीक है सर करते हैं, मैं जब आऊँगी तब देखते हैं। फिर उन्होंने कहा अर्जुन के साथ है, मैं सर अर्जुन बिजलानी तो बोलते हैं हाँ मेरा सर कब करना है, कब आऊँ कल आऊँ। फिर हम आए, मैं अर्जुन सर से मिली, बहुत कुछ सीखने मिला, स्पेशली जो बैकग्राउंड से हम आते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है हम, शायद वो ज़्यादा हम में टैलेंट नहीं होता, बट देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है और अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है तो यू गेट टू लर्न अ लॉट, एंड आई थिंक दैट ऑल क्रेडिट गोज टू अर्जुन सर दैट ही रियली हेल्प मी एंड ही इज स्टिल टीचिंग मी, सो इज़ अ वेरी गुड टीचर, एंड आई होप कि और काम मिले और सक्सेस हो एंड इंशाल्लाह हम खूब आगे जाएं। जैसा कि मैंने कहा, तलाक कोई तलाक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो दो लोग जब आपस में नहीं बनती तो देर इज़ अ लीगल वे टू गेट सेपरेटेड एंड दैट्स अ डिवोर्स, एंड टू ईच इज़ ऑन, सब लोग डिसाइड करते हैं उनके लाइफ में उनको क्या करना चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है डिवोर्स होने के बाद क्या ये नहीं कि किसी को फिर से जीने का हक नहीं है, आई थिंक खुशियाँ मिलने का हक नहीं है। लोग बहुत उसे कैलकुलेट करते हैं या ट्रोल करते हैं, खास करके बॉलीवुड एक्टर्स को या एक्टर्स को या पब्लिक फिगर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें नहीं पता होता है किसी की निजी ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो मुझे लगता है कि ये किसी का प्राइवेट स्पेस है, उस पर कमेंट करके और गंदी गंदी बातें लिख के इट्स नॉट फेयर फॉर दैट पर्सन, एंड हर एक इंसान को पूरा हक है अपनी ज़िंदगी जीने का और जैसा वो चाहता है वैसे जीने का, एंड सबको प्यार करने का भी दोबारा मौका मिलना चाहिए और प्यार रिसीव करने का दोबारा मौका मिलना चाहिए। और इस 3-4 मिनट के गाने से हमने कोशिश यही की है कि नूर ही नूर से लोगों तक ये बात पहुँचे और वो इस बात को समझे कि लव इज़ फॉर एवरीबॉडी। मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो वो सोचता है कि यार यू नो एवरीबॉडी शुड लाइक इट, बट इतना अच्छा रिस्पांस मिला है रूहानियत को, काफ़ी बड़ी इट्स द नंबर वन रेटेड ऑन OTT राइट नाउ, जैसा कि आपने कहा 9.1, मुझे भी कल ही पता चला ऑनेस्टली, एंड आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड विद ऑल द रिस्पांस, ऑल द कमेंट्स। और सवीर राठौड़ को और प्रीश्वीर को, यानी प्रिशा और सवीर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड कीप वॉचिंग इट गाइज, इट्स अ ग्रेट शो, वी वर्क रियली हार्ड ऑन इट फॉर अ ईयर, एंड आई एम ग्लैड दैट यू ऑल लाइक्ड इट।